दो विश्व कप को लेकर कोई दबाव नहीं दीपा कमारकर। भारत की स्टार महिला जिमनास्ट दीपा कमारकर अजरबैजान के बाकू और कतर के दोहा में होने वाले दो विश्व कप में अपना 100% देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हर टूर्नामेंट मुश्किल होता है, लेकिन वह कभी भी दबाव महसूस नहीं करती। 14 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले दीपा ने कहा, मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, मैं अगरतला में अभ्यास कर रही हूँ, मैं वहाँ अच्छा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगी। दीपा के लिए हर टूर्नामेंट एक जैसा है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों का प्रदर्शन या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, यह हमेशा से ऐसा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने एशियाई खेलों में अच्छा नहीं किया था, उसके जो भी कारण रहे हों, बीते साल जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में दीपा को 5वां स्थान मिला था। उन्होंने कहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा, पहले मुझे अपने आप में संतुष्ट महसूस करना होगा। दीपा को 2 साल तक चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा था। 2017 में उन्होंने लिगामेंट सर्जरी कराई थी। इस पर दीपा ने कहा, मैं उस दौरान अभ्यास नहीं कर पा रही थी। एक खिलाड़ी के लिए मैदान से बाहर रहना काफी मुश्किल होता है। रियो ओलंपिक 2016 में दीपा पदक से काफी करीब से चूक गई थी और तभी से उन्होंने देश में सुर्खियां बटोरी। उन्होंने देश में जिम्नास्टिक को एक पहचान दिलाई। इसके बाद दीपा को कई सम्मान मिले। दीपा को बार्बी ब्रांड ने 9 मार्च को अपनी 60वीं वर्षगांठ पर तोहफे में एक बार्बी डॉल दी है। इस पर दीपा ने कहा, मैं इस सम्मान के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसे पाकर मैं काफी खुश हूँ, मुझे यह डॉल अच्छी लगी। अपने जीवन पर फिल्म के बारे में सवाल पूछने पर दीपा ने कहा, यह मेरे कोच बिश्वेश्वर नंदी सर ही जानते होंगे, अगर सर चाहते हैं कि मेरे जीवन पर फिल्म बने तो फिर ऐसा होगा। कर्नाटक के उज्जवल नायडू ने फ्लोर स्पर्धा में अनुभवी आशीष कुमार को हराकर दोहा में होने वाले कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, जबकि सेना के योगेश्वर सिंह चयन ट्रायल के दौरान वर्ल्ड में शीर्ष पर रहे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने IG स्टेडियम में इन ट्रायल्स का आयोजन किया था, जिसमें 5 जिम्नास्ट ने हिस्सा लिया। केवल 2 स्पर्धाओं फ्लोर और वॉल्ट के लिए ट्रायल्स करवाए गए थे। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ GFI के उपाध्यक्ष रियाज भाटी ने कहा, कर्नाटक के उज्जवल नायडू फ्लोर वर्ग में जबकि सेना के योगेश्वर सिंह वॉल्ट में शीर्ष जिम्नास्ट रहे। दिलचस्प बात यह है कि GFI ने पहले आशीष कुमार और योगेश्वर के आवेदन भेजे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में साई ने इन दोनों स्पर्धाओं में ट्रायल्स करवाने का फैसला किया था। भाटी ने कहा, आशीष कुमार ने शुरू में विश्व कप में भाग लेने का आग्रह किया था, उन्होंने ट्रायल्स में केवल फ्लोर में हिस्सा लिया, लेकिन कई गलतियां करने के कारण शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाए और इस तरह से चयन से बाहर हो गए। दोहा में विश्व कप 20 से 23 मार्च के बीच होगा।